घटना दिनांक 5 अप्रैल 2021 की है, जब एक किराना व्यापारी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को नेशनल हाईवे पर 6 अज्ञात बदमाशों के द्वारा अकबरपुर पुल पर असलाह दिखाकर लूट लिया गया था। इस संबंध में मदन मोहन, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना छाता पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर छाता पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई थी। इसी के चलते पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि लूटी हुई गाड़ी व एक मोटरसाइकिल पर कुछ बदमाश नौगांव पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं। सूचना के आधार पर छाता कोतवाली इंचार्ज रवि त्यागी मैं फोर्स मौके पर पहुंचे, जिनको देखकर बदमाश गाड़ियों को लेकर भागने के पीछा करते वक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें सवार बदमाश और बाइक पर बैठे बदमाश गाड़ियों को छोड़कर भाग निकले। भागते हुए बदमाशों में से दो बदमाशों को, जिनके नाम कल्लू उर्फ कालू थाना हसनपुर पलवल और दूसरा बदमाश सरवन गुर्जर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा से मनीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चला जा रहा है विशेष अभियान में। थाना छाता जनपद मथुरा पुलिस द्वारा बीती रात में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से विगत 5 अप्रैल में व्यापारी की लूटी गई कार बरामद हुई है। इन अभियुक्तों के नाम कल्लू लोहार सनाफ नंदली, निवासी लेखी थाना हसनपुर जनपद पलवल एवं सरवन सनाफ रतिराम गुजर, निवासी टिकरी गुजर थाना चांदहट जनपद पलवल हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से व्यापारी की लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं एक तमंचा 12 बोर मैं कॉटेज बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के अन्य 4 साथियों की तलाश की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार करके कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।